हेलो फ्रेंड, सेहत ज्योति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस प्रेगनेंसी वीडियो में हम जानेंगे प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड का लेना प्रेग्नेंट वुमेन के लिए क्यों जरूरी होता है, फॉलिक एसिड लेने से प्रेगनेंसी में उन्हें क्या फ़ायदे होते हैं, फॉलिक एसिड लेने का सही तरीका क्या होता है, कब से कब तक फॉलिक एसिड लेना चाहिए और कब आप चाहे तो फॉलिक एसिड का सेवन करना बंद कर सकती हैं, यानी फॉलिक एसिड लेना बंद कर सकती हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल सेहत ज्योति को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे इस चैनल पर आगे आने वाली हर प्रेगनेंसी वीडियो आप देख सकें। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान सभी गर्भवती महिलाओं के लिए फॉलिक एसिड का सेवन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि फॉलिक एसिड से ही बॉडी में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है और ये शिशु के मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड में न्यूरल ट्यूब के विकास में बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड का सेवन करना किसी भी गर्भवती महिला के लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद से ही प्रेग्नेंट वुमेन की बॉडी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। इस समय वो काफ़ी जल्दी किसी भी इन्फेक्शन या फिर बीमारी के चपेट में आ जाती हैं, और अगर प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद वो किसी इन्फेक्शन या फिर बीमारी के चपेट में आ जाती हैं तो इससे इसका सीधा असर उनके गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है, जिसकी वजह से शिशु शारीरिक रूप से कमज़ोर, मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से विकलांग भी हो सकता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी में आप फॉलिक एसिड का सेवन करती हैं तो इससे शिशु का विकास तेजी से होता है, अच्छे से होता है और शिशु को किसी भी प्रकार के जन्म दोष से बचाया जा सकता है, यानी शिशु को किसी भी प्रकार का जन्म दोष नहीं होता, शिशु को किसी भी प्रकार का शारीरिक या फिर मानसिक प्रॉब्लम नहीं होता। यानी देखा जाए तो फॉलिक एसिड शिशु को जन्म दोष से बचाने का कार्य करता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप फॉलिक एसिड का सेवन नहीं करती हैं तो इससे शिशु के न्यूरल ट्यूब में डिफेक्ट आने के चांस बन जाते हैं, और यदि गर्भावस्था के दौरान प्रेग्नेंट वुमेन फॉलिक एसिड का पर्याप्त मात्रा में सेवन करती हैं तो इससे न्यूरल ट्यूब में होने वाले डिफेक्ट से शिशु को बचाया जा सकता है। फॉलिक एसिड भ्रूण में नसों के विकास में मदद करती है। भ्रूण की न्यूरल ट्यूब बाद में शिशु के मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड में विकसित होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के शुरुआती बनावट के दौरान किसी भी प्रकार के जन्म दोष को रोकने के लिए फॉलिक एसिड का सेवन बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। यदि प्रेगनेंसी में किसी प्रेग्नेंट वुमेन को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो तो ऐसे में फॉलिक एसिड का सेवन उनके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इससे लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड के सेवन से प्रीमैच्योर डिलीवरी या फिर मिसकैरेज के चांस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। साथ ही फॉलिक एसिड के सेवन से गर्भ में शिशु के खराब विकास और जन्म के समय शिशु के कम वजन जैसी दिक्कतों से भी छुटकारा मिलता है। इसके अलावा फॉलिक एसिड के सेवन से शिशु और प्लासेंटा का जल्द और तेजी से विकास होता है। प्रेग्नेंट वुमेन अगर रोजाना फॉलिक एसिड का सेवन करती हैं तो इससे उन्हें हार्ट स्ट्रोक, हार्ट डिजीज, कैंसर और अल्जाइमर जैसे रोगों से भी बचाव मिलता है। अब जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड का सेवन कब शुरू करना चाहिए। फ्रेंड्स, वैसे तो प्रेगनेंसी के तीसरे से चौथे हफ्ते में शिशु के भीतर जन्मदोष उत्पन्न होने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के शुरुआती चरण में ही शिशु के मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड का विकास होता है, तो इसलिए इस दौरान शरीर में फॉलिक एसिड का होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए फॉलिक एसिड का सेवन प्रेग्नेंट वुमेन को स्टार्टिंग मंथ से ही करना शुरू कर देना चाहिए। अब जानते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप फॉलिक एसिड लेना कब बंद कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के शुरुआती चरण में ही आप फॉलिक एसिड का सेवन करना जरूरी होता है। आपको प्रेगनेंसी के 1 to 3 months तक फॉलिक एसिड का सेवन जरूर करना चाहिए, जिससे कि शिशु में किसी भी प्रकार के जन्म दोष ना आए। प्रेगनेंसी के 3 months कंप्लीट होने के बाद आप फॉलिक एसिड का सेवन करना बंद कर सकती हैं। वैसे तो अगर आप चाहें तो पूरी प्रेगनेंसी फॉलिक एसिड का सेवन कर सकती हैं, इससे आपको फायदे ही होंगे, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। या फिर आप तब तक फॉलिक एसिड का सेवन कर सकती हैं जब तक आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हों, आप डॉक्टर के कहे अनुसार ही फॉलिक एसिड का सेवन करें, और अगर आप प्रेगनेंसी में इसका सेवन नहीं करना चाहती तो उनके सलाह के अनुसार ही फॉलिक एसिड का सेवन करना बंद करें। फ्रेंड, अब जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड का सेवन कैसे करना चाहिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉलिक एसिड का सेवन कभी भी खाली पेट नहीं करना चाहिए। ये ज़्यादा अच्छा होता है कि आप फॉलिक एसिड का सेवन सुबह नाश्ता करने के बाद करें, लेकिन अगर आपको फॉलिक एसिड का सेवन करने से जी मिचलाने, उल्टी होने जैसी शिकायतें होती हैं तो आपको चाहिए कि आप इसका सेवन रात को खाना खाने के 1 से 1.5 घंटा बाद करें, या फिर आप इसका सेवन वैसे करें जैसे डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किए हों। तो फ्रेंड्स, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉलिक एसिड का सेवन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, आपके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है, इसलिए इस टेबलेट को लेना इग्नोर बिल्कुल ना करें। प्रेगनेंसी के दौरान बिना डॉक्टर के सलाह के इसे लेना बिल्कुल ना छोड़ें। तो फ्रेंड्स, अगर दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए प्रेगनेंसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।